Hey you guys, welcome back to my YouTube channel The Summary Vlogs. I hope guys you will be absolutely fine. उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे. दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Yamaha V3 BS6 को हमें क्यों परचेस करना चाहिए, किस बेस पे परचेस करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रॉफिट हमें अगर मिलेंगे अगर हम Yamaha V3 BS6 को परचेस करते हैं तो, और हमें क्या क्या उसके 5 एडवांटेज मिल सकते हैं कंपैरिजन टू अदर बाइक. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं कि हमें Yamaha R15 V3 BS6 क्यों परचेस करना चाहिए और क्या क्या हमें उस बाइक में एडवांटेज मिल सकते हैं. चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके. सो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे आप लोगों को पता है कि मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को Yamaha R15 V3 BS6 किस बेस पे परचेज करना चाहिए और क्या क्या एडवांटेज आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस बाइक के प्राइस के बारे में, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम अगर किसी भी बाइक को परचेस कर रहे हैं या बाइक छोड़ो किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं या तक हम शू भी ले रहे हैं कपड़े भी ले रहे हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि इस चीज़ का प्राइस कितना होगा और ये हमारा बजट रहता है. तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं Yamaha R15 V3 BS6 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,70,000 रुपये. जैसे दोस्तों 1.70 लाख का ऑन रोड प्राइस आप लोगों को मिल जाता है Yamaha R15 V3 BS6 के साथ. अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में. तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों को ये बाइक में सबसे पहला जो बिग एडवांटेज मिलता है इस बाइक का टॉप स्पीड है. जी हाँ दोस्तों बाइक है 150cc की और इस बाइक की जो टॉप स्पीड भी 155 के आसपास आसानी से चले जाती है. तो आप देखेंगे कि अदर बाइक्स होती है जो अदर कंपनी की बाइक्स बना रहे हैं वो दोस्तों वो बाइक 200 होकर 150 तक जाती है और कोई भी बाइक 150 के आसपास नहीं जाती. तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप Yamaha R15 V3 का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. दूसरा इसका एडवांटेज अगर हम बोलते हैं तो सबसे बड़ा दूसरा एडवांटेज आप लोगों को इस बाइक में मिल जाता है स्लीपर क्लच. दोस्तों ऐसी बहुत सारी अभी भी बाइक्स है 200cc की जिन बाइक्स में आप लोगों को स्लीपर क्लच का ऑप्शन नहीं मिलता और आप लोगों को Yamaha R15 V3 में स्लीपर क्लच का ऑप्शन मिल जाता है जो कि बाइक की एक परफॉर्मेंस का एक एडवांटेज भी हो जाता है, बाइक की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है और स्लीपर क्लच से जो हमारे बाइक के गियर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ की तरह वर्क करते हैं. थर्ड दोस्तों अगर बात करते हैं इस बाइक के एडवांटेज का तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बाइक में जो BHP पावर मिलता है 150 के हिसाब से वो अच्छा खासा BHP पावर मिलता है. जैसे आप लोगों को पता होगा कि BS6 में थोड़ा सा BHP पावर कम कर दिया गया है. अभी जो Yamaha R15 V3 का BHP पावर है वो है 18.6 के आसपास. फिर भी दोस्तों आप यकीन मानिए कि BS6 में कोई भी इसकी परफॉर्मेंस नहीं गिरी है, परफॉर्मेंस BS4 जैसी सेम टू सेम है. तो यहाँ पे दोस्तों BHP पावर भी आप लोगों को Yamaha 150 में बहुत अच्छा मिल जाता है, इस वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस होती है इसकी ये भी एक एडवांटेज हो जाती है. फोर्थ दोस्तों बात करते हैं इसके एडवांटेज के तो वो सबसे बड़ा इसका जो एडवांटेज है वो है इसका लुक. जी दोस्तों आप देखेंगे कि V3 का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. V3 जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको Yamaha की R15 का हर एक सीरीज पसंद है. जैसे आप लोगों को पता होगा कि R15 1 आई, R15 वर्जन 2 आई, अभी R15 वर्जन 3 चल रही है. तो ऑल बाइक्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस जनरेशन को, तो Yamaha V3 बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि दोस्तों रियलिटी में इस बाइक का जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन वाला है. तो यहाँ पे दोस्तों इसका फोर्थ सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है इस बाइक का लुक. उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके फिफ्थ एडवांटेज के बारे में. तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि दोस्तों Yamaha का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, लॉन्ग लास्टिंग एंड मेंटेनेंस फ्री इंजन होता है. तो Yamaha का इंजन बहुत ही ज़्यादा बटर स्मूथ की तरह वर्क करता है जिस वजह से इस बाइक का सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है. अगर किसी भी Yamaha की बाइक को यूज़ किए होंगे या कोई अगर Yamaha की बाइक को यूज़ कर रहा है अगर आप उससे पूछते हैं तो वो भी आपको बोलेगा कि हाँ भाई Yamaha का जो इंजन है वो V3 नहीं उसकी जितनी भी बाइक्स है वो सब के इंजन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा बटर स्मूथ की तरह काम करते हैं और मेंटेनेंस भी कम मांगती है.
अगर दोस्तों इसके और एडवांटेज के बारे में बता दूं आप लोगों को, तो इस बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, गियर इंडिकेटर भी आपको इसमें डिजिटल मीटर में देखने को मिल जाता है, जो कि बाइक का बहुत ही खास बनाता है, बाइक का लुक भी बहुत खास कर देता है। अगर दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के हेडलाइट के बारे में, तो डुअल हेडलाइट के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें व्हाइट एलईडी आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी खासी ब्राइट होती है, जो भी इस बाइक का एक एडवांटेज हो जाता है। दोस्तों इसके एक और एडवांटेज के बारे में अगर बात करेंगे, तो बाइक में आप लोगों को काफ़ी अच्छे टायर्स मिलते हैं, और इसकी हैंडलिंग की वजह से और रेसिंग स्पोर्ट्स होने की वजह से, रेसिंग स्पोर्ट मतलब गाइस स्पोर्ट्स बाइक कहने से दो टाइप्स ऑफ बाइक्स होती है, नेकेड स्पोर्ट बाइक होती है और एक स्पोर्ट्स बाइक होती है। तो V3 जो है वो स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसको आप लोगों को आराम से आसानी से कॉर्निंग राइड भी कर सकते हैं। और दोस्तों बाइक का जो लुक है और जो बाइक की जो हैंडलिंग है, उस हैंडलिंग के हिसाब से इस बाइक को आप आसानी से टॉप स्पीड पर भी लेके जा सकते हैं, और इस बाइक को आप आसानी से कॉर्निंग राइड भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही खास चीज़ होती है यामा V3 में। यामा V3 का जो सस्पेंशन है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है। जब आप इस बाइक को एक बार चलाएंगे, एक बार यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इस बाइक के और भी क्या क्या एडवांटेज है और इस बाइक को क्यों परचेस आपको करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों अगर मेरे से आप पूछेंगे कि भाई क्या हमें V3 लेना चाहिए, तो बिल्कुल भाई आप यामा की R15 V3 ले सकते हैं। अच्छा खासा आप लोगों को माइलेज भी देखने को मिलता है बाइक में, और अच्छी खासी आप लोगों को परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। इस बाइक में 1,70,000 के आसपास की जो प्राइस है, उस हिसाब से आपको बाइक्स में ऑल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।